हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हैं, ये जो नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस किसके समान है। एक एग्जाम्पल मैं आपको बहुत ही कमाल का बताऊंगा, एक स्टोरी बताऊंगा, ये सिर्फ काल्पनिक है, आप उसी से समझ जाना। दोस्तों, एक बार की बात है, एक पिताजी ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा क्या आप मेरी पसंद की यानी कि मेरी चुनी हुई लड़की से आप शादी करेंगे? तो बेटा मना कर देता, इनकार कर देता कि पापा मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करूंगा। तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा जो लड़की है ना, वो बिल गेट्स की लड़की है। फिर बेटा हाँ बोल देता है। फिर पिताजी क्या करते हैं, बिल गेट्स के पास फोन लगाते हैं और बोलते हैं मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से करना चाहता हूँ, क्या आप करेंगे? तो बिल गेट्स इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं। तो पिताजी बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है वो विश्व बैंक का सीईओ है। तो बिल गेट्स हाँ बोल देते हैं कि हाँ मैं अपनी बेटी के शादी आपके बेटे से करूंगा। फिर वो जो पापा होते हैं, उसके पिताजी होते हैं, वो विश्व बैंक के प्रेसिडेंट को फोन लगाते हैं और बोलते हैं कि आप मेरे बेटे को विश्व बैंक का सीईओ बनाएंगे? तो प्रेसिडेंट वो इनकार कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं, हम आपके बेटे को सीईओ नहीं बनाएंगे। तो उसके पापा बोलते हैं कि मेरा जो बेटा है वो बिल गेट्स का दामाद है। तो प्रेसिडेंट हाँ बोल देता है कि हाँ हम आपके बेटे को सीईओ बनाएंगे। तो आप देख लीजिए, समझदार के लिए सारा काफी है और बच्चे के लिए गुब्बारा काफी है। सेम दैट नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस वैसा ही है। अब देख लीजिए उसके पिताजी ने किस तरह से बिल गेट्स की बेटी से शादी भी कर दी और अपने बेटे को विश्व बैंक का सीईओ भी बना दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दोस्त वैसा ही है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।